अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बीफ की और आलू की एक रेसिपी शेयर करने वाली जो बहुत ही टेस्टी और लजीज बनती है और साधारण अपने मसालों के साथ ही बन के तैयार होती है। बीफ का मटन है और आलू है, तो आलू गोश्त की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गोश्त आलू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर में 2 चम्मच बड़े भर के सालन का जो होता है ऑयल ले लिया है, वो गर्म हो चुका है। और ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 2-3 तेज पत्ते हैं, 1 चम्मच जीरा है, 2 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 हरी इलायची है, 4-5 लौंग है और 8-10 काली मिर्ची है। यह गर्म मसाला हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, मुझे सर्दी बहुत हो रही है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंस आपको लगेगी। देखिए जैसे हमारा मसाला थोड़ा तड़क जाता है, हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। ये देखिए मैंने चॉपर में 3 मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से भर लिया, इससे क्या हवा को बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएगी और बहुत अच्छे से चॉपर में प्याज हमारी फ्राई होती है। तो इसको हम पिंक फ्राई कर लेंगे, पिंक फ्राई करके। चलिए फ्रेंड, ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो गई है इस तरीके से। ये देखिए अब इस वक्त इसमें हम ये मटन डाल देंगे। ये देखिए 500 ग्राम बीफ का मटन लिया है मैंने, बस ये एक ही नली, इसमें बाकी सब बोनलेस बोटी है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। इसका कलर चेंज नहीं होता जब तक इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। कलर चेंज होगा तो इसमें बाकी मसाले डालेंगे। ये देखिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, करीब 2 बड़े चम्मच भर के मैंने लिया है, ये भी इस वक्त हम इसमें डाल देंगे। इसको चला लेंगे अच्छे तरीके से। एक 2 से 3 मिनट इसका कलर चेंज होता है जब तक इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है हमारे गोश्त का। अब इस वक्त हम ये पाउडर मसाले डाल देंगे। 2 चम्मच लाल मिर्ची ली है, 2 ही चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक, ये हम पाउडर मसाले सब इसमें डाल लेंगे। बहुत ही बिल्कुल कम मसालों के और घर के मसालों के साथ हम इसको गोश्त आलू को तैयार करेंगे जो रेगुलर हम घर में बनाते हैं और बहुत ही अच्छी ये डिश तैयार होती है। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, वो भी हम इसी में डाल देंगे। मिक्स करेंगे हम इसे। पांच से सात हम इन मसालों के साथ मटन को भून लेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको मसाले के साथ मटन को भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सालन हमारा अच्छे से भुना गया है, तेल भी छोड़ दिया मसाले में। तो देखिए माशाल्लाह सामने इसको करें, 10 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया, बिल्कुल कसा गया हमारा सालन। अब इस वक्त हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। बस ये पानी डाल दिया हमने, अब इसको हम लीड लगा देंगे और जब तक कि 8 से 10 सीटी ले लेते हैं जब तक कि हमारा मटन टेंडर नहीं हो जाता। इसमें हम लीड लगा देते हैं और इसको हम टेंडर कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मटन हमारा अच्छे से गल गया है, लीड हमने निकाल लिए। देखिए अच्छे से भुना गया, पानी भी सारा सूख गया है और ये अच्छी तरीके से गल भी चुका है। ये देखिए अब इसमें हमें आलू डालना है। हमने इसमें से नली निकाल ली थी और उसका गूदा हमने निकाल लिया है, वो हम इसमें इस वक्त इसमें डाल देंगे। सिर्फ गूदा ही रहता है, उसमें कोई काम की चीज नहीं रहती ज़्यादा, इसलिए हम गूदा इसमें डाल देंगे। और एक बड़े साइज का आलू मैंने इस तरीके से कट करा, वो भी इसमें हम डाल देंगे। और करीब 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया, वो भी हम इसी में डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। चलिए फ्रेंड, दही आलू हमने डाल दिए हैं इसके अंदर, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका हमें सूप करना है, ये बहुत ठीक है अभी।
तो इसमें हम पानी डाल देंगे आधा गिलास, जितना हमें पतला चाहिए उसके हिसाब से, जितना सूप चाहिए उसके हिसाब से हमें इसमें पानी डाल देना। ये देखिए बस इतना ठीक है, क्योंकि मटन हमारा गल चुका है और एक ही सीटी में हमारे आलू भी गल जाएंगे, उस वक्त हम इसमें ये एक चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे। बस ये हमारा मटन की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी हम लीड लगा के सिर्फ एक ही सीटी लेके हम इसको बंद कर देंगे इसके प्रेशर में, और फिर आपको डिश आएंगे और ये अदरक के लच्छे डाल देंगे। तो देखिए हमारा गोश्त आलू बन के तैयार है, हमने अदरक के लच्छे सब डाल दिया था। और अभी देखिए बहुत ही बेहतरीन और तरी वाला और सूप वाला हमारा ये गोश्त आलू बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसको रोटी चपाती चावल रुमाली रोटी सभी के साथ आराम से खा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर से बनाइएगा, खाएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।